उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को आई 13 नई रिपोर्ट के बाद जिले में कोरोना के 397 मामले हो गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को आई रिपोर्ट में बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के परिवार के 4 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सांसद हाजी फजलुर रहमान व उनके बेटे और भतीजे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। इसका कारण यह था कि सांसद एक ही दिन में कई अधिकारियों से मिले थे। जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में सांसद के परिवार के लोगों के कोविड-19 टेस्ट करवाए, जिसमें आज 4 लोग पॉजिटिव आए। इनमें सांसद हाजी फजलुर रहमान की बहू, भतीजे, भाभी और नौकरानी भी शामिल है। इसके बाद अब सांसद के करीबी लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी टेबल हिस्ट्री के मुताबिक भी प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। वहीं इसके अलावा सहारनपुर के नानोता क्षेत्र में जूता व्यापारी के परिवार के 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जबकि 3 लोग देवबन और 1 व्यक्ति रामपुर का है। आपको बता दें कि सोमवार को कुल 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले में संक्रमित लोगों की संख्या 384 हो गई है। सबसे राहत भरी बात यह है कि जिले में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, जिसके चलते अधिकांश लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी तक 338 लोगों ने महामारी को मात दी है। आगे भी लेटेस्ट खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।